हेलो इन व्हाट्सएप गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एमपीडीटी काउंसलिंग 2020 के रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में बताने वाला हूं। एमपीडीटी काउंसलिंग 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, आप सभी को ये पता होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको कैसे बनवाने हैं, इसके साथ साथ कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर आप गलत कर दोगे ना तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अपनी काउंसलिंग के टाइम पे, और ये भी चांसेस है कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन ही ना मिले। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखोगे तो आपका फायदा है, इससे आप रजिस्ट्रेशन एक बार में सही तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो 22 से स्टार्ट थी, हमने 22 तारीख को ही वीडियो बनाने का ट्राई किया, लेकिन इनका जो सर्वर था वो इतना स्लो था कि 22 तारीख को रजिस्ट्रेशन करना, वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था, जिसके कारण ये वीडियो डिले हो गई है। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से मेरी, अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हो, हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियोस देखते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं और निकल जाते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जो नोटिफिकेशन बेल है, इससे आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एमपीडीटी काउंसलिंग से रिलेटेड, जोसा से रिलेटेड, सीएसएबी से रिलेटेड आप तक पहुंचा सकूंगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से आप लोगों को। तो यहां पे सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं, ये जो वीडियो है ना, ये हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे चल रही हो, वीडियो आगे जा रहा हो, ऑडियो पीछे आ रहा हो, लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने सारी चीज एकदम क्लियर कट बता रखी है, और इस ऑडियो को आप ध्यान से सुनिए, इस पे मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बता रखे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, डिटेल में समझा रखा है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, गूगल ओपन करने के बाद सर्च करना है गूगल पे एमपीडीटी काउंसलिंग 2020, जो सबसे ऊपर लिंक आ रही है उस पे आपको क्लिक करना है, वो एमपीडीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, dte.mponline.gov.in, ये एमपीडीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा गो फॉर काउंसलिंग, वहां पे क्लिक करना है, वहां पे क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे ऊपर एक साइड में ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग, वहां पे क्लिक करने के बाद आपको ग्रेजुएशन प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर आपको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में जाना है क्योंकि आप बीटेक के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, इसके बाद फुल टाइम में जाना है, और इसके बाद अप्लाई फॉर काउंसलिंग में जाना है। अप्लाई फॉर काउंसलिंग में जैसे ही जाओगे तो आपके सामने एक पूरा का पूरा शेड्यूल ओपन हो जाएगा एमपीडीटी काउंसलिंग का, और वहां पे जो लिखा हुआ है राउंड वन की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर, वहां पे क्लिक करना है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन शो कर रहा होगा आपको और इंस्ट्रक्शंस शो कर रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने पढ़ लिए, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको जहां पे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है वहां पे आई हैव रीड रूल बुक एंड इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है, जो वहां पे चेकबॉक्स आ रहा है उसे क्लिक कर देना है। इसके बाद जेई मेन का आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसे डालना है और वहां पे लॉगिन कर देना है, तो आपका जो पहला पेज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कभी कभार सर्वर इश्यू आता है तो वहां पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो पहला पेज है उसमें आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, लाइक आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर, वो सारी चीजें आपके जेई मेन के एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से ले ली जाती है, ठीक है। जो पहला पेज है इसमें आपको नेशनैलिटी सबसे पहले फिल करनी होती है, दूसरी लाइन में एड्रेस फिल करना होता है अपना, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया हुआ है ना वो एड्रेस आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको स्टेट फिल करना होगा, किसी स्टेट से है उस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर सेलेक्ट करनी है, और आपके एरिया का जो आपने एड्रेस डाला है उस एरिया का पिन कोड क्या है वो डालना है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और इस मोबाइल नंबर में आपको ओटीपी के जो फैसिलिटी है वो मिलेगी, तो आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास तुरंत है, इसी मोबाइल नंबर में आपका एप्लीकेशन नंबर के साथ साथ एक पासवर्ड आएगा जो एमपीडीटी आपको बना के देगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन मिल रहा है, मेल का भी ऑप्शन मिल रहा है, वो भी आप सही सही फिल कर दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करिए, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो दूसरा पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, अगर आप एमपी से हैं तो पहले डोमिसाइल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप आउटसाइड एमपी
एमपी से हैं तो उनके लिए एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, अगर आप आउटसाइड एमपी से होना तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में गिने जाओगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एमपीडीटी काउंसलिंग में नहीं लगेगा, और अगर आप आउटसाइड एमपी से हैं तो फिर आपका यहां पे ईडब्ल्यूएस वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला है। आपको सिंपली सेलेक्ट करना है आउटसाइड स्टेट कोटा, आपका डोमिसाइल वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। सारे जो ऑप्शंस आपको यहां पे दिख रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर माइग्रेंट वगैरह हो, वो आपको सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा हालांकि, लेकिन जो क्लास हो गई और क्लास भी आपको सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। बेसिकली यहां पे आपको ट्यूशन फी वेवर वाला जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली ये सब डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शंस जो आउटसाइड स्टेट वाले हैं उनके लिए डिसेबल हो जाते हैं। और आउटसाइड स्टेट वाले बच्चों के लिए ना जो डॉक्यूमेंट लगता है वो सिर्फ एक लगता है, जो कि है उनके क्लास टेंथ का मार्कशीट। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगता है आउटसाइड वालों के लिए, जो एमपी से नहीं है बच्चे उनके लिए सिर्फ क्लास टेंथ का मार्कशीट, ठीक है ना। इसके बाद जो एमपी से है बच्चे, उन्हें पहले तो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वप्रमाणित वाला, जो कि आपको कलेक्ट्रेट में जाओगे, अपने जिले के कलेक्ट्रेट में जाओगे तो वहां पे नोटरी वाले 10 मिनट के अंदर 50 से 60 रुपए में बना देंगे, ठीक है। दूसरा होता है जो कि रेगुलर होता है, ये जो सर्टिफिकेट होता है ये आपको तहसीलदार से मिलता है, तहसीलदार के पास आप जाओगे तो वो आपका ये सर्टिफिकेट बना के देंगे, और इसमें टाइम लगता है, ठीक है, इसमें आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है, वहां पे एप्लीकेशन वगैरह देने के बाद। इसके बाद यहां पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है अपनी, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद ईडब्ल्यूएस है अगर आप तो ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करना है, और यहां पे जो भी सर्टिफिकेट आपका रेगुलर वाला है ना उसमें आपको एक सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, और किस डेट को वो इश्यू हुआ है वो सबसे ऊपर ही लिखा रहेगा, ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे ऊपर ही लगा होगा, उसे आपको लिखते जाना है, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर और किस डेट को इश्यू हुआ है, ये सारी चीज। इसके बाद जम्मू कश्मीर माइग्रेंट वगैरह है अगर आप तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पे आपसे और भी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह की सारी जानकारी ली गई है। फिर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है ना। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट दिखाया गया है ना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो ही आप लगाइएगा, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो, और अगर आप किसी और कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट लगाइए। इसके बाद जो ट्यूशन फी वेवर का सर्टिफिकेट है TFW वाला, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आपको इनकम सर्टिफिकेट यहां पे लगाना है। अगर आपके पास परमानेंट वाला है जो कि तहसीलदार से बनता है तो वहां पे आप वो लगा सकते हैं, और अगर आपके पास स्वप्रमाणित वाला है जो कि नोटरी में 10 से 15 मिनट में 50 से 60 रुपए में बन जाता है तो आपको वो लगा देना है। इसके बाद आपको आगे सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप थर्ड पेज पे आ जाएंगे। ये तो थर्ड पेज है ना, इसमें आपको अपने एकेडमिक्स की डिटेल्स भरनी है, बहुत ही ईजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिजिक्स में कितने मार्क्स थे, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे, मैथ्स में कितने मार्क्स थे, टोटल कितने मार्क्स थे, ठीक है ना, आप किस बोर्ड से थे, आपका 12th का क्या रोल नंबर था, 10th का क्या रोल नंबर था, ये सारी एकदम बेसिक डिटेल्स, एकदम बेसिक डिटेल्स है, ठीक है, ये तो कोई भी बच्चा भी फिल कर लेगा, ठीक है। इसका जो दूसरा पेज है वो इंपॉर्टेंट था, और जो लास्ट पेज है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स मांगेगा, अगर आपने जो FW वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, और आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल देनी है, अपनी भी डाल सकते हो, अपने पेरेंट्स की भी डाल सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उसमें लोन के बारे में पूछा गया है, और लोन के बारे में बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इसका क्या करना है। देखो, जो लोन के बारे में पूछा गया है वो बेसिकली इसलिए पूछा गया कि अगर आपको लोन वगैरह चाहिए होगा तो आपको बैंक की डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है ना, बैंक की जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। लेकिन अगर आप TFW सीट पे जा रहे हो या गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो या सेमी गवर्नमेंट में जा रहे हो तो आपको लोन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लोन चाहिए तो वहां पे यस करना है आपको, और इसके बाद डिटेल्स फिल कर देनी है, ठीक है ना। और इसके बाद जो आपको नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करना है, और जो लास्ट पेज है उसमें आपको, जो एमपी के स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूं, आपको आपका क्लास टेंथ का मार्कशीट, ठीक है, क्लास टेंथ का मार्कशीट, क्लास 12th का भी मार्कशीट मांग लेता है अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। जनरल कैटेगरी से हो तो फिर आपसे क्लास 10th का ही मार्कशीट बस मांगेगा, अगर आप किसी और कैटेगरी से हो तो 12th का भी मांग लेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, ये जो चारों डॉक्यूमेंट्स है ये आपको लेके जाने हैं। अगर आप कहीं और जा रहे हो रजिस्ट्रेशन कराने तो वहां पे लेके जाने, खुद से कर रहे हो तो खुद से रेडी रखना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सबके सब 100KB के अंदर होने चाहिए, और इनका जो फॉर्मेट है ना वो JPG में होना चाहिए, ठीक है ना। आपको PDF फॉर्म अपलोड नहीं करना है इनका, JPG यानी इमेज अपलोड करनी है, और इमेज का जो साइज है वो 100K के अंदर होना चाहिए। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वहां पे अगर आप इमेज का साइज 100 से ऊपर अपलोड करोगे तो सीधा सीधा शो कर देगा कि अपलोड नहीं हो सकती है। तो जो आपका डोमिसाइल है, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है, जो आपका 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, वो सब
100 KB के अंदर होना चाहिए। ट्राई करना कि 100 में अपलोड करो, 100 में ही अपलोड करोगे तो थोड़ा सा साफ दिखेगा और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का चांस कम होगा। अगर आप 30 40 50 में कर दोगे तो वो दिखेगा ही नहीं सही से, ठीक है, तो आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है ना। तो आपको 100 पे ही कोशिश करना है कि अपलोड करो, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्थ वाला पेज है, उसमें जो लास्ट वाला पेज है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं बेसिकली, ठीक है ना, तो वहां पे जो चेकबॉक्स आ रहे हैं उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये जो ई वेरिफिकेशन है इसके लिए पूछा जा रहा है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करोगे, जो कंडीशन है वो एक्सेप्ट करोगे, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपने जो नंबर डाला था स्टार्टिंग में उसी नंबर में आपको एप्लीकेशन नंबर और आपका टेम्परेरी पासवर्ड से भेजा जाएगा MPDT की तरफ से। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमारे चैनल को इनको प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड सब्सक्राइब यार कर ही लो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, काफी मेहनत पड़ती है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलता हूं दूसरे वीडियो पर, तब तक ले चलता हूं, दीजिए जय हिंद।